नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल। आज फिर बड़ी शख्सियत के साथ खास मुलाकात मेरे साथ, पूर्व राष्ट्रीय सचिव अमृत प्रताप सिंह की। कमलनाथ सरकार को एक साल पूरा हो चुका है, एक साल में कमलनाथ सरकार ने क्या कुछ दिया है मध्य प्रदेश को, आज जानेंगे अमृत प्रताप सिंह जी से। अमृत प्रताप सिंह जी, आपकी जन अदालत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, सवाल है, आपकी सरकार को एक साल पूरा हो चुका है, मध्य प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि एक साल में आपने क्या कुछ किया है। हाँ, हम लोगों की कांग्रेस की सरकार को आए हुए मध्य प्रदेश में एक साल लगभग बीत चुका है, और कांग्रेस ने जो वादा किया था अपने जो घोषणा पत्र में जो वादा किया था, उन वादों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। और लगभग 365 दिन में शायद मुझे लगता है कि शायद 300 से ज़्यादा घोषणाएं शायद उनने पूरी भी कर दी हैं। कई जैसे किसानों से संबंधित जो घोषणाएँ थी, आपकी गौशाला से संबंधित, गौवंश से संबंधित घोषणाएं थी, तो गौशालाओं का निर्माण प्रारंभ हो चुका है और कल ही हमारे माननीय मंत्री जी ने गौशाला का उद्घाटन भी लाहौर क्षेत्र में कर दिया है ना, तो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गई है और जल्दी वो काम, उसमें गाय वगैरह पशु वगैरह बंद होना चालू हो जाएंगे, जिससे किसानों को राहत। और ऐसे कई गौशालाओं का निर्माण हमारे क्षेत्र में और समस्त मध्य प्रदेश में चल रहा है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं आपने, प्रदेश की जनता क्या कुछ बदलाव किया है? सबसे बड़ी उपलब्धि तो किसान की जो रीढ़ की हड्डी थी, जो उन पे कर्ज लदा हुआ था, जिससे इस जो प्रदेश का नींव है किसान, उसका कर्जा माफी का जो घोषणा थी वो सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी रही, मुख्य घोषणा रही। 2 लाख तक का किसान का कर्जा माफ़ करना बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है, जबकि सरकार पे पैसा नहीं है, उसके बावजूद भी कमलनाथ जी ने ये करके दिखाया। तो मैं इसके लिए उनको धन्यवाद दूंगा कि किसान की सरकार होने के कारण उन्होंने किसान के लिए सबसे पहले सोचा। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस समय देखा जाए, अमृत प्रताप सिंह जी, आप युवा हैं, युवाओं के बीच आप रहते हैं, युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है इस समय बेरोजगारी, तो इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए कमलनाथ सरकार की क्या सोच है? सबसे बड़ी आपने जो बताई, वास्तव में बेरोजगारी एक देश की समस्या बन चुकी, ना कि मध्य प्रदेश की, पूरे देश की समस्या है। और हम रोज अखबारों में देखते हैं देश में जो बेरोजगारी की दर है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही, खासकर इन 6 सालों में मोदी सरकार के जो कार्यकाल रहा उसमें बेरोजगारी की दर काफ़ी ऊंची पहुंच गई है, आंकड़े बहुत गंभीर हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, चूंकि अभी एक ही साल हुआ है, कमलनाथ जी लगातार प्रयासरत हैं बेरोजगारी दर कम करने के लिए। सबसे पहली बात तो उन्होंने जो भी उद्योग धंधे वाले लोग हैं, उद्योगपतियों से लगातार संपर्क करना, और अभी सम्मिट भी हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया है जो भी उद्योगपति मध्य प्रदेश में उद्योग लगाएगा और उसमें 70% युवाओं को, मध्य प्रदेश के युवाओं को मौका देगा, उसके काफ़ी सहूलियतों का उनने घोषणा की है। और इन सब घोषणाओं के साथ साथ वो लगातार अभी भी दावोस में हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और आज ही के अखबार में मैंने पढ़ा और पता चला कि उन्होंने आपके अमेजन से संपर्क किया, अमेजन के जो डिप्टी चेयरमैन हैं उनसे संपर्क किया और मध्य प्रदेश में निवेश के लिए उत्साहित करना और जो भी सहूलियत है उनका वादा किया है। तो लगातार वो प्राइवेट सेक्टर पे भी ध्यान दे रहे हैं और सरकारी सेक्टर पे भी। हम आपको बताना चाहेंगे, हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर की लगभग 21,000 पद की नियुक्तियां आने वाली हैं, उनकी नौकरियां जल्दी आने वाली हैं, जबकि वर्तमान में मात्र 16,000 शिक्षक काम कर रहे हैं। तो जितने काम कर रहे हैं उससे अधिक वैकेंसी निकाल के कहीं ना कहीं कमलनाथ जी ने युवाओं से किया हुआ वादा पूर्ण करने की तरफ एक कदम बढ़ाया है। और ऐसे ही आप देखेंगे, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग, हर विभाग में नौकरियां निकालने की तैयारियां चल रही हैं। चूंकि समय लगेगा थोड़ा सा, अभी नई सरकार आई है, एक साल ही हुआ है, तो चीज़ों को समझने में, और सबसे बड़ी समस्या आर्थिक समस्या है। जो भाजपा सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश को करीब 2.25 लाख से ज़्यादा के कर्जे में, लाख करोड़ के कर्जे में इस मध्य प्रदेश को छोड़ के गए हैं, उस मध्य प्रदेश को उस कर्जे से उबारना और नए लोगों को नए नौकरियां देना, ये अपने आप में एक चुनौती का विषय है। लेकिन कमलनाथ जी, मुझे लगता है कमलनाथ जी इन सब चुनौतियों से पार पाकर एक स्वस्थ मध्य प्रदेश और आगे बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश बनाएंगे। आपकी सरकार की भी एक अहम थी, हम लाहौर में देखते आ रहे हैं, जितनी बार भी सभाएं हुई एक बड़ी बात जरूर की गई कि हम व्यापम जरूर खत्म करेंगे,
तो ये आप खत्म करने वाले हैं क्या? व्यापम तो खत्म हो ही गया है, उसकी जगह पीबी प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड का गठन हुआ था, तो अभी उसी के तहत एग्जाम हो रहे हैं लोग। चूंकि नई व्यवस्था बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, जैसे पिछली बार उन लोगों ने जो फॉर्म भरवा लिए थे जिस एग्जामिनेशन बोर्ड के तहत, तो एग्जाम कराना हम लोगों की मजबूरी थी, लेकिन नई तरीके से हर विभाग में नए सिस्टम से भर्तियों का एक चल रहा है प्रचलन, और जल्दी आपको इन सब चीज़ों को आपको जमीन पर धरातल पर भी नजर आएंगी ये सब चीज़ें। इस समय देखा जाए तो कमलनाथ सरकार का एंटी भू माफिया अभियान चल रहा है समूचे मध्य प्रदेश में। नरोत्तम मिश्रा जी ने आरोप लगाया है कांग्रेस पर कि कांग्रेस के लोग भाजपा के लोगों को निशाना बना करके उनका अतिक्रमण तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? पिछले 15 सालों के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने इस प्रदेश को भू माफियाओं के और तरह तरह के माफियाओं के हाथ में गिरवी रख दिया था। अलग अलग क्षेत्र में माफिया पनप गए थे, लेकिन चूंकि कमलनाथ जी का जो काम करने का तरीका है, उस तरीके से आपको स्पष्ट होगा कि उन्होंने सबसे, और रोज़ अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि उन्होंने कहा सिर्फ माफियाओं पे कार्रवाई करो। तो हम लोगों की मर्जी है कि इस देश से, इस प्रदेश से माफियाओं को मुक्ति दें और आम जनता यहाँ कुशल पूर्वक आराम से ज़िंदगी व्यतीत कर सके। और बाकी रहा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का आरोप, तो वो निराधार है। आप देख रहे हो लहार में भी अतिक्रमण की कार्रवाई बड़ी तेज़ी से चल रही है, और हमारी स्वयं की उसमें कई दुकानें उसमें टूटी हैं। तो अगर हम चाहते तो अगर बदले की कार्रवाई होती तो हम अपने आप को बचाने के प्रयास करते भाई हम अप, लेकिन ऐसा नहीं है, कार्रवाई बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो रही है, और जो भी उस दायरे में आएगा उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो माफिया हो चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो। अगर वो भी कब्जा किए हुआ होगा, वो भी अगर गलत काम कर रहा हो, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो ये आपकी कार्रवाई नगरी है या फिर ये गांव स्तर तक ये आपकी कार्रवाई जाने वाली है? नहीं, गांव तो चूंकि गांव में तो लोग किसान रहता है, वो किसान माफिया नहीं होता। माफिया पनपते हैं शहरों में जहाँ जमीनों की कीमत करोड़ों में अरबों में है, तो वहाँ माफिया पनपते हैं। तो मेरा तो कमलनाथ जी का स्पष्ट निर्देश है कि आम आदमी को परेशान ना किया जाए, सिर्फ माफियाओं को टारगेट किया जाए, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो सहकारिता से जुड़े हुए माफिया हो, किसी भी विभाग के माफिया हो, चाहे वो, आपने देखा होगा पिछले एक साल के दौरान कई नकली दूध बनाने वाले लोगों पर रासुका लगाई, उन्हें जेल भेजने का काम हमारी सरकार ने किया। तो ये भी इस टाइप की माफियाओं पे भी बहुत ज़रूरी है लगाम, क्योंकि ये लोग पूरे समाज को प्रदूषित कर रहे हैं, हानिकारक खाद्य सामग्री बेच के कहीं ना कहीं लोगों के जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारा अब सवाल सीधा लाहार से सवाल है। इस समय हम मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी के भतीजे अनुरोध प्रताप सिंह से बात कर रहे हैं। अनुरोध प्रताप सिंह जी, आपका निजी लाइफ का सवाल है, आपने बचपन से ही इसमें दखल देने का शुरुआत कर दी थी, आपके मन में क्या था जब आपने एक पड़ाव 18 साल का पूरा किया था? नहीं, मैंने बचपन से कभी भी राजनीति के बारे में न सोचा था। कभी कभी ज़िंदगी में जो सोचते नहीं वो भी हो जाता है। 2008 के आसपास मैं लहार अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के दौरान फिर यहाँ पे लहार आया, तो मुझे लगा कि यहाँ लोगों के समाज के बीच में काम करने की ज़रूरत है। मन में एक उत्साह जागा कि लोगों को समाज सेवा से जुड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा परिवार पिछले 30-40 सालों से इस समाज सेवा की में लगा हुआ है, तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं इस समाज सेवा की जो काम है इसको आगे बढ़ाना चाहिए, इस पीढ़ी में भी इसको जोड़ना चाहिए। तो इसी दौरान मैं लोगों के बीच आना जाना शुरू किया, लोगों के दुख दर्द में शामिल होने के प्रयास करता हूँ और कोशिश करता हूँ, जो भी मेरे से संभव है उस मदद की भी मैं प्रयास करता हूँ, और शायद किसी का कुछ अच्छा कर सकूँ ये प्रयास रहता है। आपके मन में क्या जिज्ञासा है लहार के लिए, लहार के युवाओं के लिए? मेरा मन तो ये कहता है कि अगर संभव होगा, हम लोगों को मौका मिलेगा और प्रयास भी करेंगे, तो लहार में एक उद्योग भी स्थापित किया जाए, बड़ा उद्योग धंधे के रूप में लहार को कहीं ना कहीं, जिससे यहाँ के नौजवान, मैं यहाँ का क्या भिंड जिले की, पूरे भिंड जिले की बात करूँगा, भिंड जिले से लाखों नौजवान देश के कई शहरों में मजदूरी कर रहा है,
हम उन परिवारों के बीच में जाते हैं तो बड़े दुख होता है कि उनके बुजुर्ग माँ बाप अपने अकेले जीवन यापन कर रहे हैं, जो कि उन परिवारों के प्रति कष्ट कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन उनकी मजबूरियाँ भी हैं। चूँकि यहाँ रोजगार से संबंधित कोई ज़्यादा उपलब्धता नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है, तो इसलिए उनको जाना मजबूरी है। सरकारी नौकरियाँ कितना हम लोग देख सकते हैं, उनकी एक सीमाएँ हैं। तो मेरा लक्ष्य है जीवन का, अगर मौका मिला और संभावनाएँ हुई तो यहाँ उद्योग धंधे लाने का प्रयास, जिससे यहाँ एक साथ कई हज़ार लोगों को रोज़गार यहाँ मिल सके लाहौर में, तो ये मेरी इच्छा है। आगे अपने अगर राजनीति में मुझे मौका मिला काम करने का तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी संभावनाएँ तलाशूँगा कि लाहौर में कहीं ना कहीं कोई उद्योग स्थापित किया जाए। आपके घर में पिछले 30 सालों से मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी सियासत में दखल रखते हैं, लगातार वो जीत रहे हैं, तो उनसे आपको क्या प्रेरणा मिलती है, उनके कौन से गुण आपके जहन में आपको आगे ले जाते हैं? चूँकि मैंने बचपन से ही उनको कार्य करते हुए देखा, उनकी कार्यशैली देखी, तो कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली प्रभावित करने वाली है। दो तीन चीज़ें हैं मुख्य उनके काम करने के तरीके में। एक तो स्पष्टवादिता, लोगों को साफ सुथरे शब्दों में बता देना कि आप उनका काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, लगातार क्षेत्र के लोगों से संपर्क, सतत संपर्क, ये भी उनकी कहीं ना कहीं जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लोगों को लगता ही नहीं कि हमारा नेता हमारे बीच नहीं है, 2400 घंटे वो अपने नेता को अपने बीच पाते हैं। तो ये भी मैंने उनसे सीखा है, जो सीखने वाला गुण है। ये दो गुण बड़े महत्वपूर्ण हैं। तीसरा, उनका ईमानदारी, मतलब पिछले 30 से 40 साल के राजनीतिक कैरियर में मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति, किसी कोई भी परिवार उन पर पैसे से संबंधित कोई आरोप लगाने का काम कर सकता हो, और वो तो खुले मन से कहते भी हैं। तो ये चौथी बात, उनका चारित्रिक रूप से भी साफ सुथरा होना, तो ये तीन चार चीज़ें उन्हें बड़ा महान नेता बनाती हैं। आज आप देखते होंगे नेताओं, कोई सरपंच ही बनता है तो उस पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन पिछले 7 बार से एमएलए होने के बावजूद भी आरोप तो कई लोग लगाते हैं, पर आज तक कोई साबित नहीं कर पाया, और उन्होंने खुले मन से कहा भी है, कोई आके मुझसे मंच पर चुनौती दे तो ऐसा कोई काम नहीं कर पाया। बाकी विरोधी हैं, विरोध की बात तो वो करेंगे, उनका फर्ज है अपना विरोध करना। ये तीन चार चीज़ें उनके जीवन में हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और इनसे सबको ही प्रेरणा लेना चाहिए। मैं तो चूँकि परिवार का हूँ तो मैं नज़दीकी से देखा तो मुझे प्रेरणा मिली, लेकिन ये सभी के जीवन में ये सब चीज़ें होनी चाहिए और आगे बढ़ने का ये मंत्र हैं, ये चार मंत्र जी। सर, हमारे साथ अनुज प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं, लगातार हमने उनसे चर्चा हमारी जारी है। आखिरी सवाल करेंगे सर, आप युवा, इस समय युवाओं की निगाहें आप पर टिकी हुई हैं, अपने युवाओं के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा युवाओं से कि मेहनत करें, अपने लिए खुद रास्ते तैयार करें, दूसरे की तरफ देखना आशा भरी नज़र से अच्छी बात है, लेकिन स्वयं पे विश्वास भी करना आदमी को, यहाँ के युवा को सीखना पड़ेगा कि हमें खुद अपने पैरों से चलना पड़ेगा। मंजिल तभी हम लोग पा सकते हैं, और सहारा तो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन मंजिल तय खुद करनी पड़ती है। जब मंजिल पता हो और तय करने का इरादा हो तो मंजिल स्वाभाविक है, मिल ही जाती है। तो मैं सभी से कहूँगा कि चूँकि गणतंत्र दिवस का मौका है तो सबको शुभकामनाएँ, और सब अपने भविष्य का रास्ता, पहले मंजिल तय करें और उसकी ओर चलने का रास्ता फिर खुद ही खुद मिल जाएगा जी। मंजिल तय करें, आपका रास्ता खुद ही खुद मिल जाएगा। ये आवाज़ थी युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनुज प्रताप सिंह जी की। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हमारी मुलाकात होगी, देखते रहिए आपकी जन अदालत न्यूज मेरे साथ। नमस्कार।